वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं बाउट क्लोनिंग क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल जेनेटिक मिटीरियल आर्टिफिशियली अगर किसी एक पेरेंट से या तो एक ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस हो या उस एक पेरेंट से बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए बट उन सारे ऑस्प्रिंग्स का जो जेनेटिक मटेरियल है यानी उनका जो डी है वो एग्जैक्टली सिमिलर हो टू देयर पेरेंट तो इस प्रोसेस को क्लोनिंग कहा जाता है इन नेचर मैनी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस क्लोन्स थ्रू ए सेक्शुअल रिपोडक्शन क्लोनिंग एक्चुअली ए सेक्शुअल प्रोडक्शन का एक मेथड है क्योंकि क्लोनिंग में भी मेल और फीमेल पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है और क्लोनिंग के रिजल्ट में जो ऑस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं उन ऑस्प्रिंग्स को क्लोन्स कहा जाता है अगर हम बैक्टीरिया की एग्जाम्पल देखें तो बैक्टीरिया बाइनरी डिफिशन से रेप्लीकेट करता है और दो डॉटर बैक्टीरिया बनाता है तो वो जो दो डॉटर बैक्टीरिया होते हैं वो हंड्रेड क्लोन्स होते हैं अपने पेरेंट के क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल रिजम्बल करता है अपने पेरेंट्स के जैसे ही उनका डीएनए होता है तो ये एक एग्जांपल है नेचुरल क्लोनिंग की इसके अलावा प्लांट्स में भी एसे रिप्रोडक्शन होती है अगर हम प्लांट का कोई पार्ट कट कर दे और फिर उस कटेड पार्ट को हम ज़मीन में उगा दे तो उससे एक नया प्लांट बन जाएगा जो कि एग्जैक्टली exactly उसी प्लांट ही की तरह होगा जहाँ से हमने वो पार्ट लिया होगा तो ये भी नेचुरल क्लोनिंग है बट क्लोनिंग आर्टिफिशियली भी परफॉर्म हो सकती है क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय बिल्म एंड हिज कलीग्स एट द रॉस इंस्टीट्यूट इन एडनबरा स्काटलैंड तो इस क्लोनिंग के रिजल्ट में जो क्लोन प्रोड्यूस हुई थी वो एक फीमेल शीप थी और उसका नाम था डोली शीप द फर्स्ट क्लोन द मेमल सेवरल क्लोन्स हैड बीन प्रोड्यूस इन द लैब बिफोर डोली इंक्लूडिंग फ्रॉग्स माइस एंड काउज एक्सेट्रा विच हैड ऑल बीन क्लोन्ड फ्रॉम एम्ब्रियोज डोली वॉज रिमार्केबल इन बींग द फर्स्ट मेमल टू बी क्लोन्ड फ्रॉम एन एडल्ट सोमैटिक सेल डोली से पहले भी एनिमल्स uh, की क्लोनिंग की गई थी बट वो सारे के सारे एनिमल्स एम्बरीओ से बनाए गए थे जब एम्ब्रियो बन जाता था और वो एम्ब्रियो या तो टू सेल स्टेज तक पहुँचता था या फोर सेल स्टेज तक पहुँचता था तो उन सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया जाता था आर्टिफिशली और फिर वो जो सेपरेटेड सेल्स होते थे तो वो सेपरेट सेपरेट इंडिविजुअल में सेपरेट सेपरेट एनिमल्स में डेवलप हो जाते थे तो इस तरीके से एम्ब्रियो से एनिमल की क्लोनिंग डोली से पहले भी होती थी बट डोली की खास बात ये थी कि डोली को सोमैटिक सेल से बनाया गया था उसको किसी एम्ब्रियो से नहीं बनाया गया था बल्कि एक ऐसे सोमैटिक सेल से बनाया गया था जो कि एडल्ट था मतलब कि जिसमें टूटी पोटेंसी की बिलिटी नहीं थी बल्कि वो स्पेशलाइज्ड सेल था सो so, थोड़ा सा हम डोली के बारे में पढ़ते हैं डोली वाज द वर्ल्ड मोस्ट फेमस अ फीमेल डोमेस्टिक शीप शी वाज बोर्न ऑन फिफ्थ जुलाई 1996 शी लिव्ड हर इंटाइल लाइफ एट द रॉजलिन इंस्टीट्यूट इन एडन बड़ा स्काटलैंड इसी रॉजलिन इंस्टीट्यूट ही में डोली ने अपनी सारी की सारी लाइफ गुजारी थी एंड शी हैड थ्री मदर्स उसकी थ्री मदर्स थी उसका कोई फादर नहीं था एक वो वाली मदर थी जिसने डोली को अपना एग दिया था दूसरी वो वाली मदर थी जिसने डीएनए दिया था और तीसरी उसकी सरोगेट मदर थी कैरिड द क्लोंड एम्ब्रियो टू टर्म एंड गिव बर्थ टू डोली जिसने डोली को बर्थ दी थी डोली वॉज क्रिएटेड यूजिंग द टेक्निक ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर के टेक्निक से डोली को बनाया गया था इस प्रोसेस के दौरान में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए गए थे अब हम उन स्टेप्स को स्टडी करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डोली अल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ अ फीमेल फिन डॉर्सिट शीप सिमिटेनियसली एन एग वॉज ऑप्टेंड फ्रॉम अ स्कॉटिश ब्लैक फेस यू अब इन स्टेप्स को हम समझते हैं डाइग्राम से तो फर्स्ट स्टेप में दो फीमेल शीप को यूज़ किया गया था एक वो वाली फीमेल शीप थी जिसके फेस का कलर ब्लैक था और ये स्क्वाटिश ब्लैक फेस शीप थी या जिसको स्क्वाटिश ब्लैक फेस यू भी कहा जाता है और दूसरी वो वाली फीमेल शीप थी जिसके फेस का कलर भी वाइट था और उसकी ओवरऑल बॉडी का कलर भी वाइट था और ये फिनटॉसिट हमने शीप थी तो जो स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप थी वो इस प्रोसेस के दौरान में एक्सेल डोनर थी या वो साइटोप्लाज्मिक डोनर थी और जो फिन जॉर्सट शीप थी वो इस प्रोसेस के दौरान में न्यूक्लियस डोनर थी तो स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप की बॉडी से एक्सेल ऑप्टेन किया गया था और जो फिन जॉर्सट शीप थी इसकी बॉडी से सोमेटिक सेल यानी इसके मेमोरी ग्लैंड से मेमोरी सेल को लिया गया था इसके बाद क्या किया कि इस एक सेल से इसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया और इस प्रोसेस को कहा गया ई न्यूक्लिएशन और इस सेल को ई सेल कहा गया जिससे उसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया हो और इसी तरीके से इस मेमोरी ग्लैंड के सेल से इसका न्यूक्लियस ऑप्टेन किया गया तो फिर इस ई सेल को और इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस को एक दूसरे के करीब रखा गया और इनको इलेक्ट्रिक शॉक सप्लाई की गई तो इस इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से ये न्यूक्लियस इस एक्स सेल के अंदर इंसर्ट हो गया था अब ये एक ऐसा एक्स सेल है जिसके अंदर सोमैटिक सेल का डिप्लॉइड न्यूक्लियस मौजूद है तो इस एक्स सेल को डिश में रखा गया जहाँ पर इसने अपनी डिवीजन स्टार्ट कर दी और फिर जब ये एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज तक पहुँचा तो इस ब्लास्टोसिस्ट को उठाकर एक सरुगेट मदर के यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया गया ये सरुगेट मदर भी स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप थी इसके यूट्रस के अंदर इस एम्ब्रियो ने नॉर्मल तरीके से अपनी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो कंप्लीट की और फिर इस सरुगेट मदर ने नॉर्मल तरीके से डोली को बर्थ दे दी और डोली भी एक्चुअली फिनडोरसेट शीप थी तो ये सारा प्रोसीजर सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र कहलाता है क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान में जो फिन जॉर्सटीप थी जो सोमेटिक सेल उसने डोनेट किया था तो उस सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस एक्सेल सेल के अंदर इंसर्ट किया गया था और फिर उस एक्सेल सेल के अकॉर्डिंग डोली की प्रोडक्शन की गई थी अब इन सारे स्टेप्स को हम थ्योरी में भी डिस्कस करते हैं हमने फर्स्ट स्टेप को डिस्कस कर ही लिया था कि जो स्कॉटिश ब्लैक फेस शेप थी तो उसकी बॉडी से एक्सेल ऑप्टेन किया गया था और जो फिन डॉर्सेट शेप थी तो उसकी बॉडी से सोमेटिक सेल यानी उसके से सेल लिया गया था द न्यूक्लियस फ्रॉम द एक्सेल सेल वॉज रिमूवड बाई यूजिंग फाइन नीडल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लिएशन सेल से उसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया था और इसके लिए किसी फाइन नीडल का इस्तेमाल किया गया था और इस प्रोसेस को ई न्यूक्लिएशन कहा गया था देन द न्यूक्लियस फ्राम द मेमरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सिड शीप वॉज इन्जर्टेड इनटू द एग ऑफ स्कॉटिश ब्लैक फेस यू बाई यूजिंग इलेक्ट्रिक शॉक तो जो मेबरी ग्लैंड के सेल से न्यूक्लियस को ऑप्टेन किया गया था उस न्यूक्लियस को इनसाइड द ई न्यूक्लिएटेड एग्सल इन्जर्ट कर दिया गया था और इसके लिए इलेक्ट्रिक शॉक का यूज़ किया गया था अब यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं द सोमेटिक न्यूक्लियस इन द एग वॉज रीप्रोग्राम्ड बाय एग साइटोप्लाजमिक फैक्टर्स टू बिकम अ जाइकोट तो फिर इस सेल से जाइगोट किस तरीके से बन गया था या इस सेल से एम्ब्रियो किस तरीके से बन गया था उस एग के साइटोप्लाज्म में कुछ फैक्टर्स मौजूद थे और उन फैक्टर्स की वजह से इस सोमेटिक न्यूक्लियस को कंटिन्यूसली स्टिमुलेशन मिल रही थी कि न्यूक्लियस डिवाइड करना स्टार्ट कर दे तो न्यूक्लियस ने डिवीजन स्टार्ट की इस्टेमिलेशन की वजह से और अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो सेल था तो वो डिवाइड होना स्टार्ट हो गया था तो इस तरीके से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो गई थी देन द डिप्लॉइट या फर्टिलाइज्ड एग जो था ऑल दो कि ये नेचुरल तरीके से फर्टिलाइज्ड एग नहीं था मतलब इसको किसी स्पम्भ ने नहीं फर्टिलाइज किया था लेकिन चूंकि इसका न्यूक्लियस या ये पूरा का पूरा सेल रेप्लिकेशन कर रहा था डिविजन कर रहा था इसलिए हम इसको एक फर्टिलाइज्ड एग कह सकते हैं वॉज अलाउड टू डेवेलप टू ब्लास्टोसिस्ट इन विट्रो तो फिर इसको लेप कंडीशन ही में रखा गया था और इससे ब्लास्टोसिस्ट बना दिया गया था विच देन इम्प्लांटेड इन टू दूट्रिस ऑफ स्कॉटिश ब्लैक फेस सरोगेट शीप और फिर इसको एक फीमेल शीप के यूट्रिस के अंदर इम्प्लांट कर दिया गया था डेवलपमेंट ऑफ एम्बियो फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डोली वॉज बॉर्न एंड वॉज एब्सोलूटली आइडेंटिकल टू फिन डॉसिड शीप from which the nucleus was taken since the nucleus from the egg of scottish blackface ewe was removed dolly did not show any character of scottish blackface ewe mother So page of is blastocyst ko female sheep ki यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया गया था तो इस एम्ब्रियो ने अपनी जो मजीद डेवलपमेंटल स्टेजेस थी तो उसको नेचुरल तरीके से ही कंप्लीट किया और इसी तरीके से 1996 में डोली की बर्थ हो गई थी नेचुरल तरीके ही से और ये जो डोली थी ये अपनी उस मदर के साथ रिजम्बलेंस रखती थी जिस मदर ने इसको अपना डी दिया था और किस मदर ने इसको अपना डी दिया था फिन शीप थी इसलिए डोली भी फिंडोर्सड शिप थी डोली की रिजेम्बलेंस नहीं थी उस मदर के साथ जिसने इसको अपना साइटोप्लाज्म दिया था या उस मदर के साथ जिसने इसको अपनी बॉडी में रखा था जिस मदर ने इसको बर्थ दी थी तो ये इसलिए क्योंकि जो डीएनए है उसी के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है बॉडी के बनने के लिए तो जो डोली थी तो उसके पास इन्फॉर्मेशन फिंडोरसड शीप के डी के अकॉर्डिंग थी सो so, डोली वॉज अ हेल्दी फलोन ऑफ द फिंट ऑर्सड शिप एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑस्प्रिंग्स थ्रू नॉर्मल सेक्शुअल मीन्स और जब ये डोली बड़ी हो गई तो इसने नॉर्मल तरीके ही सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की किसी मेल शिप के साथ और फिर इसने ऑस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस किए नाइनटीन नाइन्टी एट में इसने बर्थ दी बोनी को फिर नाइन्टीन नाइन्टी नाइन में इसने ट्विंस बर्थ दी सेली एंड रोज़ी को और फिर 2000 में इसने ट्रिपलेट बर्थ दी लूसी डार्सी एंड कॉटन को बट अनफॉर्चुनेटली डोली डाइड ऑन 14 फरवरी 2003 ड्यू टू लंग कैंसर एट द एज ऑफ अबाउट सिक्स एंड हाफ लेकिन फिर फोर्टीन फेबर टू थाउजेंड में लंग कैंसर की वजह से डोली की डेथ हो गई थी डोली के बारे में साइंटिस्ट का ख्याल था कि इसकी जो एज होगी वो या तो 11 इयर्स होगी या 12 इयर्स होगी बट उसकी अपनी एज से पहले ही डेथ हो गई थी वो इसलिए क्योंकि जिस फीमेल से जिस फीमेल शीप से डी लिया गया था वो फ़ीमेल एक्चुअली सिक्स इयर्स की थी तो उसका डीएनए भी सिक्स ईयर्स का था तो जब ये डोली पैदा हो गई थी तो इसके पास जो डीएनए था तो वो सिक्स ईयर्स का था और इसके पास मजीद जो जिंदा रहने की गुंजाइश थी वो सिक्स या सेवन ईयर्स थी तो इसलिए डोली ने अपनी पूरी की पूरी लाइफ ही कंप्लीट की उसकी ऑल दो के अर्ली डेथ हो गई थी लेकिन अकॉर्डिंग टू डीएनए उसकी अपनी तिबई मौत ही हुई थी वो अपने टाइम से पहले नहीं मरी थी अकॉर्डिंग टू हर डीएनए सिंस डोली सेवरल अटैम्प्टज़ बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोडमीमल्स हाउ हाउएवर, मैनी डाय बिफोर बर्थ आर डाई सून आफ्टर बर्थ आर बोर्न विद सेवियर एबनॉर्मेलिटीज़ जिस तरीके से इससे पहले भी हमने बात की कि डोली से पहले भी बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट हुई थी और सक्सेसफुल क्लोनिंग हुई थी एनिमल्स की बट वो एनिमल्स एम्बरियो से बने अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन है उस प्रोसेस से भी एनिमल्स की क्लोनिंग हुई थी लेकिन उस आ, प्रोसेस के रिजल्ट में जो क्लोन्स बने थे तो वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे उनकी डेथ हो जाती थी या वो कुछ अरसे के लिए ज़िंदा रहते थे और वो मर जाते थे या वो ऐसे थे जो किसी सवेर एबनॉर्मेलिटी के साथ पैदा होते थे लेकिन डोली सक्सेसफुल क्लोन इसलिए थी क्योंकि उसने सिक्स एंड हाफ इयर्स तक लाइफ uh, पाई और इस दौरान में उसने सेवरल uh, ऑसफरिंग्स को बरतती थी तो इसलिए ये एक सक्सेसफुल क्लोनिंग कंसिडर की जाती है डोली वॉज अ मेजर साइंटिफिक अचीवमेंट बट ऑल्सो रेज्ड एथिकल कंसर्न एंड इंपॉर्टेंट ट्रबलिंग क्वेश्चन एरोज़ इफ़ द क्लोनिंग ऑफ शीप इज़ पॉसिबल विल साइंटिस्ट सुन स्टार्ट क्लोनिंग ह्यूम एज़ वेल एंड इफ दे डिड वुड दिस बी रॉन्ग आर हम द राइट तो ऑल दो की डोली की प्रोडक्शन एक मेजर साइंटिफिक अचिवमेंट थी लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर सीरियस किस्म के क्वेश्चन भी एराइज करना स्टार्ट कर दिए थे कि अगर शीप की क्लोनिंग हो गई है तो इट मीन के ह्यूमन बींग की क्लोनिंग भी इस्टार्ट हो जाएगी तो बाज़ लोगों के नज़दीक ये जो है और बाज लोगों के नज़दीक ये सही था लेकिन ये जो सीरियस एथिकल इश्यूज थे वो इस डोली के साथ जुड़े हुए थे अब एंड में हम थोड़ी सी इम्पोर्टेंस को भी स्टडी कर लेते हैं क्लोनिंग की क्लोनिंग इज़ नाउ कंसिडर्ड अ प्रोमिसिंग टूल फॉर प्रिजर्विंग इन स्पीशीज़ इंडेज स्पीशीज़ को प्रिजर्व करने के लिए क्लोनिंग एक बेस्ट सूटेबल तरीकेकार है एंड इट में बी इम्पॉर्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट प्रोडक्टिव एनिमल्स और प्लांट्स जो आपकी मर्जी के ज़्यादा प्रोडक्टिव एनिमल्स या प्लांट्स हैं तो उनकी भी आप क्लोनिंग कर सकते हैं उनको भी आप उनके पेरेंट्स या जो भी आपके पास ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है तो उसकी बॉडी से कोई भी सोमेटिक सेल लेकर आप उसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं तो ये आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया डोली की क्लोनिंग के बारे में डोली इस दुनिया की फेमस तरीन शीप थी जिसको फिफ्थ जुलाई 1996 को पैदा किया गया था और ये जो डोली शीप थी इसलिए फेमस थी क्योंकि उसको एक सोमेटिक सेल से बनाया गया था एक ऐसे सेल से बनाया गया था जिसमें सिरे से टूटी पोटेंसी की एबिलिटी थी ही नहीं जो कि एक स्पेशलाइज्ड मेमोरी ग्लैंड का सेल था तो जो डोली थी उसने फिर सिक्स एंड हाफ ईयर्स की लाइफ पाई और इस दौरान में उसने डिफरेंट ऑसिंग्स हमने प्रोड्यूस किए नॉर्मल तरीकेकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की थी उसने किसी मेल शीप के साथ और फिर उसकी टू थाउजेंड टेन थ्री में लंग कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी ऑल दो कि उसकी डेथ अपने लाइफ से पहले ही हो गई थी क्योंकि साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डोली 11 या 12 ईयर्स तक जिंदा रहेगी लेकिन जिस फीमेल शीप ने डोली को अपना डीएनए दिया था उस फीमेल शीप की एज थी सिक्स ईयर्स और जो डीएनए था उस फीमेल शिप का तो इट मीन के वो भी सिक्स ईयर्स का था तो अब इस डीएनए के पास मजीद सिक्स या सेवन ईयर्स तक जिंदा रहने की गुंजाइश थी तो ऑल जो कि डोली की तो अपने टाइम से पहले डेथ हो गई थी लेकिन अकॉर्डिंग टू हर डी एन एस अपनी नॉर्मल टाइम पीरियड ही में डेथ हो गई थी तो इट वॉज ऑल अबाउट द डोली डोली के प्रोडक्शन के बाद सीरियस किस्म के, के इथिकल इशूज़ भी uh, स्टार्ट हो गए थे लेकिन एनिमल्स की हद तक या प्लांट्स की हद तक ये एक बेस्ट तरीक़ेकार हो सकता है इन स्पीशीज़ को प्रिजर्व करने का या जो प्रोडक्टिव प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं तो उनकी क्लोनिंग के लिए ये एक सूटेबल मैथड हो सकता है